गाइस ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस लोकेशन की बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए दो वीडियोस लेकर आया हूं, क्योंकि भाई इस लोकेशन से तो एक ही वीडियो बड़ी मुश्किल से आती है। एनीवेज इस बारे में तो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारी मोस्ट ऑफ द टॉक स्पीड की इस सीरीज में आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए अमेरिकन बुली के पपीज, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में है एंड ग्रे कलर में है। भाई आप लोग जानते हैं कि ग्रे कलर के अमेरिकन बुली सबसे ज्यादा फेमस होते हैं, क्योंकि इस कलर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप लोग भी ग्रे कलर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होने वाली है, क्योंकि पपीज जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी के होने के साथ साथ काफी अफोर्डेबल प्राइस में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि पपीज जो है ना ये पॉकेट साइज में, भाई यही साइज सबसे ज्यादा सेल होता है, आप लोग कहीं पर भी देख लो। सो गाइस अगर पपीज की हेल्थ के बारे में बात करें तो पपीज काफी हैवी बोन है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है एंड पपीज काफी एनर्जेटिक भी है और इनकी एक्टिविटीज आप लोग देख ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स ओनर के पास टोटल 4 पपीज अवेलेबल हैं, जिसमें से 2 मेल हैं और 2 है फीमेल। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मदर और फादर दोनों ही ओनर के पास अवेलेबल हैं। आप लोग दोनों को वीडियो कॉल पर देख सकते हैं, या फिर आप लोग जब पपीज को परचेज करने जाओ तो डायरेक्ट भी देख सकते हो। वैसे भी मैं आप लोग को हमेशा कहता हूं कि फोटो वीडियोस में देखने में और डायरेक्ट देखने में काफी फर्क होता है। तो गाइस अमेरिकन बुली लुक वाइज काफी खतरनाक लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में टेम्परामेंट बहुत ही प्यारा होता है। शायद ये वर्ल्ड की सेकंड ऐसी डॉग ब्रीड है जो इतने मस्कुलर होते हैं। वैसे काफी लोग इनके ईयर्स को भी क्रॉप करा देते हैं, जिसके बाद इनका लुक टोटली चेंज हो जाता है और ये और भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। बाकी ये डॉग भी 2-in-1 है, आप लोगों के लिए सिक्योरिटी का काम भी करेंगे और आप लोगों के लिए काफी अच्छे फैमिली डॉग्स भी होते हैं एंड ये काफी एनर्जेटिक भी होते हैं। हाँ, इनको ट्रेन करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि भाई अमेरिकन बुली हमेशा खेलने के मूड में रहते हैं। और हाँ गाइस, उन्होंने चाहे मेल को परचेज करो या फिर फीमेल को, शायद दोनों का प्राइस सेम ही रखा है, क्योंकि फीमेल का कोई अलग से डिमांड नहीं कर रखी। चलिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज के मदर और फादर हैं। भाई दोनों की क्वालिटी देखे, दोनों बहुत अच्छी क्वालिटी में है और दोनों ही ग्रे कलर में है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन पपीज को आप लोग परचेज करोगे वो कुछ इस तरह के दिखने वाले हैं बड़े होने के बाद। वैसे हमारे चैनल पर आप लोगों को अमेरिकन बुली के अलावा और भी सभी डॉग ब्रीड मिल जाएंगे, अगर आप लोग चाहो तो विजिट करके देख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी ऑल पर कर लो, ताकि मेरी जितनी वीडियोस आए उन सभी के अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स ये बात तो आप लोग जानते हैं कि अमेरिकन बुली बहुत से अलग अलग साइजेस में आते हैं, लेकिन पॉकेट साइज को इतना ज्यादा पसंद क्यों किया जाता है, इसका रीजन ये है कि इन्हें आप लोग कहीं पर भी कंफर्टेबली रख सकते हो। अगर आप लोग के पास छोटा घर है तो भी, या फिर आप लोग किसी बड़े से घर में या फार्म हाउस में रहते हैं तो भी। तो पपीज जो है ना ये 40 डेज के हो चुके हैं एंड ओनर की जो लोकेशन है वही भाई पटना बिहार से। आप लोग डायरेक्ट जाकर ही पपीज को परचेज करोगे तो ज्यादा बेटर है। बाकी डिलीवरी को लेकर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि वो प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं, तो इस बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें तो जैसा ही बता ही चुका हूँ, कोई अलग से डिमांड नहीं कर रखी। मेल और फीमेल दोनों का प्राइस जो लिखा हुआ है वो है 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए, लेकिन शायद फीमेल का प्राइस थोड़ा बहुत कम मिल जाए, एक बार आप लोग डिस्कस जरूर कर लें। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।